DSLR से फोटो क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग उसको बहुत प्रोफेशनल और अच्छे से एडिट करते हैं, ठीक है। एडिट करने के बाद जब हम लोग उसको अपलोड करने जाते हैं एज ए इंस्टाग्राम, एज ए फेसबुक, कुछ भी प्लेटफॉर्म में जब हम लोग अपलोड करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, शार्पनेस और टेक्स्चर जो होता है वो हो जाता है बिल्कुल लो और फोटो का क्वालिटी पहले से ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि एडिट के बाद जो भी फोटो का क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और हम लोगों का फोटो देखने में बिल्कुल ये लगता है। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ और फाइनली मैं आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपना फ़ोटो को बहुत ही ज़्यादा शार्प कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा HD कर सकते हो। अगर आपका फ़ोटो ब्लर है, अगर आपको वो फोटो बहुत पसंद है, ऐसा भी होता है ना कि हम लोग फोटो क्लिक करते हैं कि कुछ फोटोज में से जो फोटो का पोज अच्छा लगा बट वो कभी कभी ब्लर आ जाता है, सो इस केस में आप क्या करोगे। सो गाइस, फाइनली आप फोन में, मैं आपको ऐसा एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, इसके बाद आप इसको यूज करने के बाद आपका ब्लर हुआ फोटो या फिर आपका एडिट करने के बाद जो फोटो आपका शार्पनेस नहीं है, फिर HD नहीं लग रहा, सो उसको आप HD में कन्वर्ट कर सकते हो। और गाइस, आज का ये सॉफ्टवेयर आप कोई भी फ़ोन या फिर अगर आपके पास आईफोन है आप दोनों में यूज़ कर सकते हो। इसका कुछ प्लस पॉइंट भी है और माइनस भी है, सो इसका मैं एंड में बताऊंगा। सो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहो और आज का जो सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस ऐप का नाम है Vidimini। शायद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है ये कौन सा ऐप है, लेकिन चलो वीडियो एंड तक देखो, आपको फुल प्रोसेस पता चल जाएगा कि आप वन क्लिक में एक फ़ोटो को प्रोफेशनल रिटच कैसे करोगे और एक ब्लर हुआ फ़ोटो को इतनी ज़्यादा टेक्सचर और शार्प कैसे करोगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए प्रोफेशनल और क्रिएटिव आइडिया और वीडियो हमेशा क्रिएट करता हूँ। और गाइस, इंस्टाग्राम पर जल्दी से जल्दी फॉलो कर लो और चलिए वीडियो से आगे चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो सो आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, अगर आप आईफोन यूज़र हो सो आपको ऐप स्टोर ओपन करना है। सो सबसे पहले मैं मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, सो सबसे पहले मैं ऐप स्टोर में जाता हूँ, आप अपने प्ले स्टोर में जाओ। सो ओके, सो सबसे पहले आपको इसमें सर्च करना है, ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर दोनों में कुछ भी सर्च कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है Vidimini। ओके, सो सबसे पहले पहले वाला जो है इसमें आपको सर्च कर लेना है, एंड देन सबसे पहले देखो आपको गूगल फोटोज़ दिख रहा है। ओके, सो गूगल फोटोज़ को आपको इग्नोर करना है, एंड देन सबसे पहले नीचे जाने के बाद आपको दिख जाएगा ये वाला Vidimini AI फोटो इन्हेंसर, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, आपको ये वाला सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करना है, आप अच्छे से इसका टाइटल भी पढ़ लो और आपको कुछ इस तरह से इनका जो थंबनेल है वो दिखेगा। सबसे पहले इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हूँ जिस वजह से मुझे ओपन दिखा रहा है, सो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ओपन करने के बाद आपको थोड़ा बहुत सेटिंग, जनरली जिस भी सॉफ्टवेयर ओपन इंस्टॉल करोगे सो नॉर्मल जो भी सेटिंग्स होते हैं आपको वो कर लेना है, और मुझे पता है आप वो कर लोगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको Vidimini को ओपन करना है और आपको प्रीमियर करने के लिए बोलेगा, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मुझे पहले बोल रहा है कि इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, बट डोंट वरी, आप डायरेक्टली क्या करोगे, लेफ्ट साइड में ऊपर देखना जो क्रॉस का साइन है ना, तो क्रॉस साइन पे आपको क्लिक करना है। क्रॉस साइन में क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ना फोटो लेना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ DSLR का फोटो है क्या नहीं। सो सबसे पहले मैं एक DSLR का फोटो इसमें इनपुट कर लेता हूँ, देन आपको दिखा। ओके, सो सॉरी गाइस, मेरा हर एक फोटोज कंप्यूटर में आता है ना, PC में रहता है, सो मैं फ़ोन में लेने भूल गया था, सो थोड़ा सा टाइम लिया आपका, सो कोई नहीं। सो फाइनली मैं फ़ोटोज़ जो है, सबसे पहले आपको फ़ोटो सिलेक्ट करना है। सोचो कि मैं एक नॉर्मली मेरा एक DSLR का फ़ोटो है, तो इसको देखो, इसको फ्री में यूज़ करने के लिए हमेशा थोड़ा सा आपको बोर होना पड़ेगा, बिकॉज आपको फ्री करने के लिए यहाँ पे वॉच एन ऐड नीचे इनहांस इस पर क्लिक करना है, इसके बाद ये ऐड आपको पूरा देखना है, इसके बाद अच्छा। ओके, सो गाइस देखो, सबसे पहले आप फोटो को देख लो, ये फोटो हो गया है,
आप नॉर्मली फ्री ऑफ वर्जन में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है यही आप ले सकते हो जो बेसिक है, और वर्जन टू वर्जन थ्री प्रो अपडेट है अगर इसको करोगे। सो इसमें भी बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह होते हैं और भी नए नए क्रिएटिव चीज़ ऐड होते हैं, अगर आप करना चाहते हो तो पे करो, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले आपको शायद कुछ फ़र्क पता नहीं चलेगा है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फ़ोटो को जूम कर लो एंड देन देखो फोटो जूम जब आप कर रहे हैं ना फोटो का, सो फोटो देखो पूरा ब्लर है, मतलब फोटो जब जूम कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि फोटो ब्लर है और क्लियरिटी भी नहीं है। सो देखो इनहांसर जो ये ऐप है, देख रहे हो फोटो का, आप ध्यान से देखो, देखो क्वालिटी देखो, ये पहले मतलब ये बिफोर एंड देन ये आफ्टर, सो अब दोनों में से कंपेयर करो कि यार ये एनहांस करने के बाद आपका फोटो कितने ज़्यादा डिटेल में HD हो जाता है। देख रहे हो ये जूम करने के बाद, ठीक है नॉर्मल, और जब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ एंड देन ये हो जाता है। सो गाइस, और सबसे पहले अभी एक दूसरा फोटो में अप्लाई करते हैं कि इसमें कैसे वर्क करता है। सो सबसे पहले आपको देख रहे हो सेव का जो बटन बटन है राइट साइड में, आपको सेव कर, सबसे पहले एक मैं फ़ोन का फोटो लेता हूँ, ठीक है उसके बाद हम फ़ोन का फोटो चेक करेंगे वो कितना ज़्यादा HD होता है। ओके सो सबसे पहले ये नॉर्मली एक मेरा फोटो है, ठीक है सो तो सबसे पहले देखो ये हम लोग का नॉर्मल फोटो है, फोन का क्लिक हुआ। बहुत सारे लोग फोन में फोटो एडिट करने के बाद आप इससे एनहांस कर सकते हो, आपका फोटो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसका वर्क कितना अच्छा करता है। सो इसको जूम करते हैं। सो ये मेरा फोटो है, जब फोटो को मैं जूम कर रहा हूं तो क्लियरली पता चल रहा है फोटो ब्लर है। सो सबसे पहले मैं इसको एनहांस करके देखता हूं। वाओ जस्ट लुक गाइस, फोन का फोटो भी मतलब इतने ज्यादा क्लियर हो रहा है, मतलब जो मैं सोचा भी नहीं था। सबसे पहले देख रहे हो ये देखो कितने ज़्यादा ब्लर है जब मैं इसको एनहांस कर रहा हूँ। सो लुक, आपका फोटो का लुक नेक्स्ट लेवल हो जा रहा है। डिटेल देख सकते हो कितने ज़्यादा शार्प और डिटेल, आप मेरा बिफोर का देख रहे हो कितने ज़्यादा ब्लर है फोटो, और इसके बाद देख रहे हो देखो। सो कितने ज़्यादा ये वर्क करता है, अच्छे से आप लोग ध्यान से देखो। वीडियो क्वालिटी अगर आप लोग लो में देख रहे हो थोड़ा हाई करो फिर आपको पता चल जाएगा चेंजेस। सो देखो ये बिफोर ये आफ्टर, क्या बात है गाइस। सो गाइस इस सॉफ्टवेयर को आप लोग भरपूर यूज़ करो क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वाला सॉफ्टवेयर। हर चीज़ में आपका एक नेक्स्ट लेवल वाला फील देगा। अगर आप फ़ोन में रिटच करना चाहते हो और जो भी आप करना चाहते हो फ़ोन में एडिट करते हो, सबसे पहले इसको इनहांस करना एंड देन कुछ भी करने के बाद इनकेस अगर आपका क्वालिटी छोटा हो रहा है, ख़राब लग रहा है, सो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आपका फोटोग्राफी वाव वाला हो जाएगा। सो गाइज आपको तो पता चल गया कि आप एक नॉर्मल सा ब्लर फोटो को किस तरह से जो है इतने ज़्यादा शार्प और HD कर सकते हो। बट वीडियो में मैं पहले बोला था कुछ इसका माइनस पॉइंट भी है। सो सबसे पहले गाइज सॉफ्टवेयर तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और अमेजिंग मतलब सॉफ्टवेयर है। आप इस सॉफ्टवेयर से मदद से आप हर एक फोटोज़ को बहुत ज़्यादा HD कर सकते हो और बहुत ज़्यादा शार्पनेस और डिटेल ला सकते हो, जैसे कि आपने वीडियो में मतलब देखा। सो गाइस इस वीडियो में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप नॉर्मल फोटो को बहुत HD कर सकते हो, लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये पेड है, लेकिन आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपको एक ऐड देखना पड़ेगा फोटो शार्पनेस करने के लिए। बट मुझे लगता है आप अपने फोटोज़ के लिए इतना सा तो कर ही सकते हो, बिकॉज आपको चाहिए फोटो शार्पनेस और वो वन क्लिक में यही देगा, जो कि सेम आपको कंप्यूटर में भी प्रोवाइड करता है। सो जिसके पास PC नहीं है वो इस सॉफ्टवेयर यूज़ करो। थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है बिकॉज ऐड आपको देखना पड़ेगा, बट आपका फोटोग्राफी और आपका क्रिएटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। सो आई विश गाइज आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे क्रिएटिव और प्रोफेशनल वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, और चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लव कीप सपोर्ट, टाटा।